क्लास आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिंडहॉल का वॉलंटरी एक्सचेंज मॉडल। और ये मॉडल देखा जाए तो ये क्लासिकल मॉडल है, और क्लासिकल मॉडल का जो बेनिफिट अप्रोच है उस बेनिफिट अप्रोच को बहुत एक्सटेंड कर दिया गया। और बेनिफिट अप्रोच में आपको बताया था कि एडम स्मिथ थे सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे, इसके पहले भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने बात किया था। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में बहुत लोग इकोनॉमिस्ट आए थे, सबने अलग अलग ओपिनियन दिया कि जो टैक्स का जो थ्योरी है टैक्स कितना लगाना चाहिए, टैक्स का जो जस्टिफिकेशन है एक उचित टैक्स क्या होना चाहिए, जिसका बर्डन की बात कर रहा है कि अगर किसी भी पर्सन पर टैक्स लगाया जाए तो उस पर कितना बर्डन पड़ना चाहिए। यानी कि अब यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। क्लास आपको बताया था कि एक तो आपसे डिस्कस किया था कि टैक्स का जो इंसिडेंस है और टैक्स का जो इंपैक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। अगर टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इंपैक्ट एक ही पर्सन पे पड़ेगा तो वो डायरेक्ट टैक्स, और अगर डिफरेंट पड़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम टैक्स शिफ्टिंग बोलते हैं। तो हमारा ये मेन यहां पर कंसर्न था कि टैक्स को किस तरह से इंपोज किया जाए कि उसका बर्डन बराबर हो, जस्टिफाइड हो, इक्विटी हो, समानता हो, इसी चीज को लेकर प्रूव करने का प्रयास किया गया है। तो बेसिकली इस मॉडल में हम दो चीजों पर फोकस करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है और जो वर्टिकल इक्विटी है क्या होती है। हॉरिजॉन्टल जो इक्विटी ये दिखाना चाहती है कि जो इंपैक्ट पड़ेगा समान जो टैक्स पेयर हैं, समान जो टैक्स पे कर सकते हैं उन पर, उस लेवल के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है तो उन पर समान टैक्स पड़ना चाहिए। और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेंगे। तो इसमें वर्टिकल में हो जाता था डिफरेंट डिफरेंट टैक्स इंपैक्ट पड़ेगा, और इसमें था हॉरिजॉन्टल में कि समान टैक्स का बर्डन समान पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात आपको और समझा देना चाहता हूं, थोड़ा चलते हैं क्लास फिर आपको डिस्कस करते हैं। आपको मैंने बताया था क्लास स्टार्टिंग में कि अगर हम माने ये हमारा डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है, पता है आपको, और जब डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाता है तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इस केस में अगर गवर्नमेंट मान के चलो टैक्स को इंपोज करती है तो आपको बताए थे कि ये क्या होता है क्लास, ये पूरा पूरा कंज्यूमर सरप्लस होता है और ये पूरा पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो है लॉस जाएगा, जिसे हम डेड वेट लॉस बोलते थे, और ये गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कंसर्न ये है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो ये किस पर, ये जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर पे है और ये जो इम्पैक्ट है वो प्रोड्यूसर पे है। तो जो इम्पैक्ट है यानी कि इंसिडेंस है, जो बर्डन पड़ रहा है वो बराबर पड़ रहा है, लेकिन बराबर तब पड़ रहा है जब इलास्टिक और सप्लाई इलास्टिक ग्रेटर देन वन दोनों इक्वल है। तो अगर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफरेंट होगी तो इम्पैक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट पड़ेगा बर्डन। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा इस थ्योरी में कहने का प्रयास किया कि बर्डन जो है वो इक्वल पड़े, या बर्डन उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग पड़े, जो जितना बेनिफिट ले रहा है वो उतना टैक्स दे। तो सिंपल थ्योरी का प्रयास करने का यह है कि जो बेनिफिट अप्रोच थ्योरी है ये थ्योरी का प्रयास करने का प्रयास करेगी कि जो जितना प्रॉफिट ले रहा है, जो जितना सर्विस कंज्यूम कर रहा है, जो गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कर रहा है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में उतना पेमेंट करे। और तो इस थ्योरी में तीन चीजें निकल के आ रही हैं क्लास। पहला क्लास है कि एक स्टेट की, एक गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज है, क्या सर्विसेज हैं, इसकी बात करता है, एक्सटेंड करेगा, कितना एक्सटेंड करेगा, कितनी पब्लिक गुड्स का एलोकेशन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इस थ्योरी में। दूसरा कहता है एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अमंग द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट कहता है कि लिंडाल के इस मॉडल से निकल के आएगा कि गवर्नमेंट जो है कितनी सर्विसेज, किस किस गुड्स की कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करे, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि उसकी कॉस्ट भी निकल जाए और लोगों का बेनिफिट भी हो और गवर्नमेंट का जो टैक्स
निकल आए उसकी कॉस्ट निकल आए, तो गवर्नमेंट का टैक्स क्यों लगाती है, क्योंकि उसको उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट ही निकल आना है। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, और टैक्स लगाने के लिए क्या करेगा, सर्विस कितना एक्सटेंड करेगा, ये बात है। दूसरा है एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन, फिर बोलता है कि जो एलोकेशन है टैक्स का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। तो इस थ्योरी में ये चार चीज़ों का प्रयास करने का, ये बातें का प्रूव करने का प्रयास किया गया है कि स्टेट लेवल की कितनी सर्विसेज होनी चाहिए, कितना उसे टैक्स लगाना चाहिए, किस लेवल का टैक्स लगाना चाहिए, और कितनी उसकी सर्विसेज रहेगी, इसी चीज़ को प्रूव करने का प्रयास किया गया है। इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं, तो आपको एजम्पशन से पहले दो चीज़ समझ लेना है कि हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी क्या होती है और वर्टिकल क्या होती है। टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट पता है आपको, टैक्स बेनिफिट अप्रोच पता है आपको, और एबिलिटी टू पे अप्रोच पता है। तो एबिलिटी टू पे अप्रोच तो दूसरी थ्योरी हो जाएगी। इस थ्योरी है जो कहीं ना कहीं जो है ये निर्धारण की थ्योरी जो है ये बेनिफिट अप्रोच का एक्सटेंड वर्जन है, आप इसको कह सकते हैं, और इस थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी का एक मॉडर्न रूप है कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिंडान की थ्योरी की बात करते हैं। लिंडान की थ्योरी सिंपल ये कहना चाहती क्लास कि गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो जो सर्विस गवर्नमेंट की प्रोवाइड हो रही है यानी कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस लेवल पर उसे टैक्स भी उतना ही, जो जितनी सर्विस कंज्यूम करेगा उतना टैक्स देगा, यानी कि जो बेनिफिट, क्योंकि ये बेनिफिट अप्रोच का ही एक लेटेस्ट वर्जन है। इसको दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है, वो कहता है मान क्लास कि मान के चलो एक अलग तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे सामने ये गवर्नमेंट की एक फिक्स कॉस्ट है, सप्लाई है, मान चलो ये फिक्स सप्लाई है गवर्नमेंट की सर्विसेज की, और ये कॉस्ट भी मान सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट है। दूसरा कहते हैं कि अगर एक पर्सन है, ये ए ए है, यानी कि ए पर्सन की डिमांड है, यानी कि एक पर्सन की मार्जिनल यूटिलिटी है ये, या मार्जिनल बेनिफिट है ये, क्योंकि आपको पता है कि जो आप प्राइस पे करते हैं तो उतना मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट के बराबर होता है, और यही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, तो इसको मार्जिनल बेनिफिट भी बोलते हैं। तो ये एक पर्सन यहाँ है, दूसरे पर्सन का जो ये है क्लास, तो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इन दोनों को जोड़ देती है मान चलो, तो यहाँ पर आता है, तो ए और प्लस बी ये दो पर्सन हैं जो कि अलग अलग क्वांटिटी कंज्यूम कर रही है, इतना कंज्यूम कर रहा है, इतना कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, दोनों का इक्वल है कि अगर गवर्नमेंट इतनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो इतना उसका कास्ट टोटल हो जा रहा है, निकल जा रहा है, क्योंकि एक पर्सन इतना पे कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है यानी कि ए पर्सन इतना यूज़ कर कंज्यूम कर रहा है और बी पर्सन भी इतना ही कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो इसकी एबिलिटी इतनी पे करने की है और ये इसकी कितनी पे करने की है, तो ये दोनों पे कर रहे हैं। मान चलो क्यू ए है, क्यू बी है, तो क्यू के बी दोनों मिला लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको हम क्यूब कर सकते हैं। तो यानी कि यह पॉइंट जो है ऑप्टिमम पॉइंट है, एलोकेटिव पॉइंट है, जिसको बताया थे ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, जहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है और यहां पर एक्सेस प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, डिमांड सप्लाई इक्वल हो रही है, यानी कि ये इफिशंसी पॉइंट है, ये इफिशेंट पॉइंट है, जहां पर पूरी इकोनॉमी में यानी कि सोशल वेलफेयर हो रहा है बराबर, जो जिस एबल है उतना पे टैक्स कर रहा है। तो एक थ्योरी में ग्राफ आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ये मिल सकता है। दूसरा तरीका आपको समझाने के लिए क्लास मैंने एक बना रखा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, थ्योरी कहना क्या चाह रही है। तो ये थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट ये है कि गवर्नमेंट कितनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट कितनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर मान लो एक पब्लिक गुड्स है क्लास, आपने इसे एजवर्थ बॉक्स सुना होगा कभी, तो यहाँ पर हम लेते हैं ए पर्सन का, ए पर्सन पर्सन ए पर्सन की एक पर्सन और यहां पर है बी पर्सन, ठीक है, दो पर्सन है, दोनों ही पे करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है उसका, ये ए का कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में और ये बी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है,
उसने परसेंटेज में, लेकिन ये क्या है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट जितनी कॉस्ट है वो पे कर रहा है वो उसके कॉस्ट है, मतलब वो क्या टैक्स पे कर रहा है, हमें कह सकते हैं कि टैक्स पे कर रहा है, यानी कि जो कॉस्ट पेयर कर रहा है। अच्छा, अब हमने दो चीज देखा क्लास की, अगर इस इधर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यह ए पर्सन का मार्जिनल बेनिफिट है, इसको हम ए ए बना दिया, ए पर्सन का मार्जिनल बेनिफिट है। और ये दूसरे तरीके से हम यहां पर यूनिट ऑफ कॉस्ट रखेंगे, यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा उसका डिमांड कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा तो उसका प्राइस हो जाएगा। तो अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऊपर से लेंगे, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नीचे से देंगे। तो ए के लिए ये डिमांड है तो ए के लिए यह एक सप्लाई कर्व भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास ध्यान से समझना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 125, अब 100 है, अगर ये 100 ए पे कर रहा है तो बी का जीरो हो जाएगा, ये 75 है तो इसका 25 आ जाएगा, इसका 50 है तो 50 हो जाएगा, 25 है तो 75 हो जाएगा, और इसका जीरो है तो इसका 100 हो जाएगा। ये भी समझ गया आप, दो चीजें अच्छे से समझ लीजिए कि ऑप्टिमम एलोकेशन कहाँ होगा। जैसे हमने पिछला ग्राफ बनाया भी आपको कि वो बताए कि जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे वो ऑप्टिमम पॉइंट है, तो यह तो एक जो है गवर्नमेंट का ऑप्टिमम पॉइंट है, वो इतनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। यानी कि इस केस में अगर हम बात करें कि मान चलो ये सी है और ये बात करें एच है, तो क्या है कि ओ ई कौन पे कर रहा है, एक ए पे कर रहा है, ठीक है। और जो है एच ई कौन पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। तो यानी कि जो उसकी एक ही सेटिस्फेक्शन पॉइंट जो है ये बी का सेटिस्फेक्शन है, तो बी जो है एच ई पे कर रहा है टैक्स, और जो है ये एच सी ई पे कर रहा है टैक्स, जो कि यह एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर दोनों की सेटिस्फेक्शन है, दोनों ही सेम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं ओ सी और ये ओ एच, ठीक है। तो दोनों ही सेम कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम अपने अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर बेनिफिट ले रहे हैं, यह एक ऑप्टिमम पॉइंट है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड कहीं और पॉइंट लेते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान के चलो क्लास हम लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट टी सर्विस प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का टी सर्विस प्रोवाइड करती है टी पॉइंट पर है, तो ए पेमेंट कितना करना चाहता है, ए पेमेंट ए के लिए वो सिर्फ 25% पे करना चाहता है, ठीक है। और ये है, और इसी पॉइंट पे देखेंगे तो ये C3, C2 पॉइंट करना चाहता है, यानी कि ये 25 पे करना चाहता है, तो 25 ये पे करेगा, 25 ये पे करेगा, तो उसकी जो कॉस्ट 100, यानी कि 100 उसका निकल नहीं रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को सर्विस इतनी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि टैक्स ये लोग कम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम पॉइंट ये नहीं होगा, फिर इसका गवर्नमेंट को सर्विस को कम करना पड़ेगा। हमने क्या बोला है कि गवर्नमेंट की कितनी सर्विस प्रोवाइड करे, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज का कितना एलोकेशन करे, लेबल क्या है, तो लेबल ये नहीं है, लेबल इसका सी ही है। अगर मैं इससे पहले की बात करता हूँ क्लास, कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, मान चलो हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें लगेगा, मान चलो हम ये पॉइंट ले लेते थे, थोड़ा सा गलत हो गया क्लास, ठीक है, मान चलो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि देखेंगे कि अगर ये 75 पे करने की सोच रहा है और ये जो है सिर्फ 25 पे करने की सोच रहा है, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो 75% पे कर रहा है इतनी क्वांटिटी के लिए, मान चलो हम इसको एन बना देते हैं, तो ओ एन क्वांटिटी के लिए वो इतना पे कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि
इसको सी टी जेड मान लें या वाई मान लें, वाई मान लीजिए, तो आप यहाँ पर आएंगे, इसको एन वन एन टू मान लीजिए, तो दूसरा कितना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे सेवन, तो ये क्या है, बी पर्सन जो है सिर्फ 25 पे करने की सोच रहा है, ठीक है। तो यानी कि ए इतना पे कर रहा है तो बी, सॉरी बी जो है ये 75 पे कर रहा है और ये बी जो है इसका ही मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी कि ये 75 हो रहा है, तो 75 प्लस 75 150 हो जाए, तो हमारा जो ऑप्टिमम है वो नहीं हो रहा, ऑप्टिमम हमारा 100 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है 75 प्लस 25, ठीक है, और यहां भी गैप है 75 प्लस 25, तो यानी कि अगर कोई और पॉइंट लेते हैं तो भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल बात करता हूं कि अगर ए पॉइंट पे लेते हैं तो फिर ये जीरो हो जा रहा है, ये 100 पे करने की सोच रहा है इतनी सर्विस के लिए, और इस पॉइंट पे लेते हैं तो वो 100 हो जा रहा है वाई के लिए, ए के लिए जीरो हो जा रहा है। तो लिंडाल ने कहने का प्रयास ये किया है कि ऑप्टिमम एलोकेशन पॉइंट क्या है, किस लेवल तक गुड्स एंड सर्विसेज को उसको प्रोवाइड करना चाहिए, तो कहता है कि यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स कितना होना चाहिए जहां पर दोनों को प्रॉपर बेनिफिट इक्वल हो, और जहां पर दोनों बेनिफिट बराबर इक्वल होगा वहीं पर जो है टोटल कॉस्ट और यानी कि गुड्स की डिमांड और गुड्स की सप्लाई भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि जितना टैक्स लगाया गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है उतना टैक्स से उसको निकल आएगा। तो इस केस में दोनों चीज हो जाएगी, पहले क्या होगा कि जो कंज्यूमर है जो टैक्स पेयर है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो है बराबर दोनों की हो जाएगी। तो हमारा जो मेन कंसेंट था ये था कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करता है वो फुलफिल हो रही है, जो जितना पे जितना सर्विस यूज कर रहा है उतना पे कर रहा है। तो ये जो थ्योरी कहने का प्रयास ये करती है कि स्टेट लेवल या गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट कितनी सर्विस प्रोवाइड करे और किस तरह से एलोकेशन ऑफ टैक्स का बर्डन करे। तो एलोकेशन ऑफ इसमें क्या क्या मिल गया आपको, एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन मिल गया आपको और कॉस्ट भी मिल गई आपको, कितना सर्विस प्रोवाइड करेगा ये भी मिल जाएगा। टैक्स का बर्डन एक पर्सन पे इतना पड़ रहा है, दूसरे पर्सन पे इतना पड़ रहा है, इतनी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्सन इतनी सर्विस ले रहा है, दूसरा पर्सन इतनी सर्विस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा सिंस यहाँ पर इस थ्योरी का बताने का प्रॉपर जो कंसर्न था कि अगर हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन, एलोकेशन ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो ये थ्योरी कहना चाहती है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल वेलफेयर, लेकिन सोशल वेलफेयर तभी कर पाएगा जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टैक्स कलेक्शन होगा, क्योंकि टैक्स क्या है, वो उसकी कॉस्ट है सर्विस प्रोवाइड करने की, जो सर्विस प्रोवाइड करा अगर टैक्स नहीं करेगा तो आगे वो फर्दर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पड़ेगा। तो टैक्स उतना लगाना चाहिए जितना बर्डन भी ना पड़े और बर्डन बराबर बराबर बढ़ना चाहिए सब पे, ठीक है, और ये कितना एलोकेशन करना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो तीन बातें हैं इस थ्योरी से निकल के आती है। तो चाहे इसका थ्योरी बना दें चाहे दूसरा ग्राफ बनाया था आपको वो दोनों बना देंगे, दोनों ग्राफ का एक कैलकुलेशन वही निकलेगा कि एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कितना करना चाहिए और ताकि जो है सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट पब्लिक का हो, जिस चाहे वो एक कस्टमर हो चाहे दो कस्टमर हो चाहे कई कस्टमर हो। तो यहाँ पर हमने 2% लिया था सोसाइटी में, तो ए और बी दोनों बराबर बराबर बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एजम्पशंस तो देख लिया, लेकिन इसे क्रिटिसिज्म के पॉइंट जो है बुक्स में देख लेना, उसमें आपको यही बता देना है कि इतना आसान नहीं होता है एलोकेशन करना, मार्जिनल इफिशेंसी और मार्जिनल यूटिलिटी को मेजरमेंट करना, क्योंकि टैक्स लगाने से मार्जिनल कॉस्ट जो है बढ़ जाती है और दूसरी बात की मार्जिनल बेनिफिट भी कम भी हो जाता है। तो किस लेवल पर, यह एक हमारी इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि यह जो है डिमांड और सप्लाई की बात करता है, यह एक यहाँ पर बात करता है कि आर्ट मार्केट फैक्टर की बात करता है, ठीक है। तो ये इसलिए इस थ्योरी को लेकर के काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है कि
ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए हम दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन, और क्वेरी हो तो प्लीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।